क्या है टॉयलेट स्कैंडल जिसके कारण इवांका ट्रंप सुर्खियों में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता से चले गए हैं, लेकिन इस बीच लगातार कोई ना कोई विवाद सामने आ रहा है। ताज़ा विवाद इवांका से जुड़ा हुआ है, जिसे टॉयलेट स्कैंडल कहा जा रहा है। आरोप है कि इवांका ने अपनी सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस जवानों को टॉयलेट दिलवाने के लिए टैक्सदाताओं के करोड़ों रुपये खर्च कर दिए। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि इवांका और उनके पति जेरेड कुशनर की सुरक्षा के लिए खुफिया सर्विस के जवानों की तैनाती हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति के परिवार की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल के तहत तैनात ये जवान ड्यूटी शुरू होने के साथ ही मुसीबतों से घिर गए। इवांका ने उन्हें अपने घर का टॉयलेट इस्तेमाल करने से मना कर दिया, जबकि उनके घर पर पूरे 6 टॉयलेट बने हुए हैं। ऐसे में जवान ड्यूटी के दौरान लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करके कथित तौर पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के घर जाते और उनके घर टॉयलेट इस्तेमाल करते थे। लंबी दूरी तय करने लौटने में समय लगता था, लिहाजा इवांका ने एक दूसरा तरीका निकलवाया। महीनों बाद इवांका के घर के पास एक घर किराए पर लिया गया ताकि सीक्रेट एजेंट हल्का हो सके। केवल टॉयलेट के इस्तेमाल के लिए भाड़े पर लिए गए इस घर का मासिक किराया लगभग 2,20,000 रुपये था। इस तरह से 4 सालों में केवल टॉयलेट के लिए 74 लाख रुपये से भी ज़्यादा खर्च हो गए। 14 जनवरी को वाशिंगटन पोस्ट में ये खबर आने के बाद से विपक्षी पार्टी लगातार इवांका के गैर जरूरी खर्च की आलोचना कर रही है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि घर में 6 टॉयलेट होने के बाद भी इवांका का उनके लिए अलग से फीसें खर्च करना सही नहीं था। टॉयलेट को लेकर ट्रंप परिवार पहले से निशाने पर रहा है। साल 2016 में जब ट्रंप राष्ट्रपति पद पर के थे और चुनाव कर रहे थे, तब न्यूयॉर्क सिटी के उनके अपार्टमेंट में एक सोने का बना कमोड भी गलती से सामने आ गया था। इस पर ट्रंप को एजाज भी कहा गया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि क्या वाकई ट्रंप के घर पर सोने से बना कमोड है। उनके कार्यकाल के दौरान भी ट्रंप का टॉयलेट ऑब्जेक्शन सामने आया था, जब उन्होंने बाथरूम में वाटर फिशन के कारण पानी कम आने की शिकायत की थी। यहां तक कि उनकी लगातार शिकायत के चलते डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने शावर वाटर प्रेशर के नियमों में नरमी बरतने की भी बात कही थी। आपको बता दें कि बहुत से पश्चिमी देशों में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए बाथरूम में वाटर फिशन लगाया जाता है। यह एक तरफ का सिस्टम है जिससे नल या शावर में सीमित मात्रा में पानी गिरता है। आमतौर पर इतना होता है कि कोई भी आसानी से नहा ले और पानी गैर जरूरी ढंग से बहता ना रहे। अमेरिका में भी पानी को लेकर यह नियम 1992 में लाया गया, जब बुश राष्ट्रपति थे। उनकी सरकार ने नहाने के दौरान पानी की बर्बादी को रोकने के लिए शावर फिशर का नियम बनाया। इसके तहत प्रति लीटर लगभग 2.5 गैलन पानी की सीमा तय हुई। बाइडन की पत्नी भी अभी से विवादों में है। इधर टॉयलेट के मामले में अमेरिका में राजनीति अजीब बात बनी हुई है। नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन व्हाइट हाउस में नया टॉयलेट बनवाने को लेकर पहले ही विवादों में घिर चुके हैं। बाइडन की पत्नी जिल बाइडन ने करोड़ों रुपए का प्लान बनाया है, जिसके तहत वे वहां के टॉयलेट का सौंदर्यीकरण करवाएंगी। खबर के मुताबिक ये बात फेडरल कागजों के लीक होने से पता चली है। इसमें साफ लिखा है कि जी बाइडन अपने हिस्से के टॉयलेट को अपग्रेड करने के लिए लगभग $2.1 मिलियन का बजट तैयार कर चुकी है। बता दें कि ट्रंप के व्हाइट हाउस छोड़ने और बाइडन के आने से पहले पूरा भवन एक बार फिर से साफ किया जाएगा। डीप क्लीन का ये खर्चा लगभग 1 करोड़ रुपए। इसी बीच जिल बाइडन ने उसमें ये नया खर्च जोड़ दिया है। ट्रंप की रिपब्लिक पार्टी ने इसे फिजूल खर्ची बताते हुए बाइडन की काफ़ी आलोचना भी की है।